सलमान खान की आने वाली फिल्म टाइगर 3 का टीजर 27 सितंबर को आ गया है। फैंस काफ़ी एक्साइटेड हैं। फिल्म भी दिवाली के मौके पर रिलीज़ होनी है, लेकिन अभी रिलीज डेट फाइनल नहीं की गई है, क्योंकि ये YRF यानी कि यशराज फिल्म्स के स्पाई यूनिवर्स की फिल्म है। SDS की कहानी पठान और वॉर से जुड़ी हुई है। शाहरुख का कैमियो फिल्म में होगा ही। अब खबर है कि वॉर 2 से जूनियर NTR के कैरेक्टर को भी फिल्म में इंट्रोड्यूस किया जाएगा। वॉर 2 को आदित्य चोपड़ा बिग स्केल पर बना रहे हैं, यानी जो वॉर में हुआ उससे बिगर एंड बेटर। फिल्म को साउथ इंडिया में पहुंचाने के लिए NTR जूनियर को कास्ट किया गया है। ऐसा कहा जा रहा है कि वो फिल्म में विलेन बने हैं। नवंबर से इस फिल्म की शूटिंग शुरू होनी है। YRF स्पाई यूनिवर्स में टाइगर 3 के बाद वॉर 2 ही आएगी। बॉलीवुड लाइफ ने एक खबर छापी है। इसमें इंडस्ट्री के कुछ जानकार लोगों के हवाले से लिखा गया है कि टाइगर 3 में NTR के किरदार का ब्रीफ इंट्रोडक्शन होगा। इस किरदार को इंट्रोड्यूस खुद सलमान खान करेंगे। आदित्य चोपड़ा अभी से वॉर 2 का हाइप बनाना चाहते हैं, साथ ही इसकी कहानी को टाइगर वाली फिल्म सीरीज से जोड़ना भी चाहते हैं। साथ ही NTR का कैरेक्टर नया भी होगा, इसलिए ये एक अच्छा दाव हो सकता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि जूनियर NTR का इंट्रोडक्शन सलमान खान की टाइगर 3 में शामिल किया जाएगा। इसके बाद YRF स्पाई यूनिवर्स से कबीर विलेन को खोजने के मिशन पर निकलेगा। वॉर 2 में NTR जूनियर की फीस को लेकर कई तरह की खबरें भी चल रही हैं। एक खबर में ऐसा बताया जा रहा है कि वॉर 2 के लिए वो 30 करोड़ रुपए चार्ज कर रहे हैं। दूसरी खबर में ये बताया जा रहा है कि अयान मुखर्जी के डायरेक्शन में बनने वाली इस फिल्म के लिए NTR 100 करोड़ रुपए की फीस ले रहे हैं। और इस खबर का तीसरा एंगल भी है, और वो ये एंगल ये कहता है कि NTR वॉर 2 के लिए YRF के साथ प्रॉफिट शेयरिंग डील करेंगे। इन तीनों में 100 करोड़ वाली खबर काफ़ी हद तक ठीक लग रही है, क्योंकि NTR से पहले प्रभास, अल्लू अर्जुन, अक्षय कुमार जैसे सुपरस्टार्स एक फिल्म के लिए 100 करोड़ रुपए से ऊपर की फीस ले ही रहे हैं। बहरहाल वॉर 2 में ऋतिक रोशन, जूनियर NTR और कियारा आडवाणी हैं। टाइगर 3 में सलमान खान, कटरीना कैफ, इमरान हाशमी होंगे। ये दोनों स्पाई यूनिवर्स का हिस्सा हैं। इस यूनिवर्स से टाइगर 3 के बाद वॉर 2 का नंबर आएगा, फिर आएगी टाइगर वर्सेस पठान, और उसके बाद आलिया भट्ट वाली फीमेल सेंट्रिक स्पाई फिल्म का नंबर आएगा। तो फिलहाल तो यशराज फिल्म्स की टाइमलाइन यही है। आप इस टाइमलाइन के हिसाब से आने वाली पिक्चर्स के लिए कितना एक्साइटेड हैं कमेंट कर दीजिए, हमें भी बता दीजिए। ये जानकारी आपके लिए जुटाई थी मेरे साथी अनुभव ने। मैं हूं गरिमा, आप देख रहे हैं ललन टॉप सिनेमा। शुक्रिया। दिल्ली में होने जा रहा है ललन टॉप का पहला सेहत अड्डा। तारीख है 6 अक्टूबर। अगर आप इस अड्डे में आना चाहते हैं, लाइव ऑडियंस का हिस्सा बनना चाहते हैं, डॉक्टरों से सवाल पूछना चाहते हैं, हम लोगों से संवाद करना चाहते हैं, क्विज में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, या फिर आखिरी में हंसी के ठहाके स्टैंड अप कॉमेडी देखना चाहते हैं, तो फटाक से डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर क्लिक करिए। आई विल सी यू देयर। ललन टॉप सेहत अड्डा को पावर्ड बाय नारायणा हेल्थ एंड ओली फार्मा।